हम देख रहे हैं वीकली मार्केट रिव्यू कैसा रहा लास्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस और क्या हो सकता है आने वाले वीक में वो हम जानने की कोशिश करेंगे टेक्निकल चार्ट की हेल्प से। नमस्कार, मैं जीत सिंह, स्वागत करता हूँ चरण ठाकुर कैपिटल में। अगर हम देखें वीकली बेसिस पे कि हमने लास्ट वीकली एनालिसिस में भी कोशिश की थी समझने की कि किस तरीके से निफ्टी ने प्रॉपरली 50 का रिट्रेसमेंट लिया था, हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं इस कैंडल से। तो प्रॉपरली 50 का रिट्रेसमेंट लिया था, अभी 0.38% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है इस वीक में। तो पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने मिल रहा है हमको निफ्टी के चार्ट्स में। अगर हम बात करें वीकली बेसिस पे तो हर एक कैंडल ने हायर हाई हायर लो बनाता हुआ निफ्टी ने प्रॉपरली एक परफॉर्मेंस दिया था। जिस तरीके से एक लो था ये, फिर एक ये हायर लो था, फिर एक ये वाला कैंडल एक हायर लो था, ये कैंडल एक हायर लो था, ये कैंडल एक हायर लो था और ये कैंडल भी हायर लो था। पर हम लोग देखें तो एक ये कह सकते हैं कि एक लास्ट हायर लो को निफ्टी ने ब्रेक किया है प्रॉपरली। एक देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो है वह 14,467 और इसका जो लो है वह 14,350। तो लास्ट हायर लो को निफ्टी ने ब्रेक किया है और वापस ऊपर खींच लिया। तो एक बार आगे आने वाली जर्नी में हमको मतलब देखना होगा कि इस लेवल को निफ्टी सस्टेन करता है कि वापस ब्रेक करता है, क्योंकि यहां से प्रॉपरली अप ट्रेंडिंग हुआ है निफ्टी। ये बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक रिट्रेसमेंट अगर देखें तो 50% का रिट्रेसमेंट लिया है। पहले वीक में वो जो रिट्रेसमेंट था 0.38% का था, पर अभी हम लोग देखें तो जिस तरीके से निफ्टी ने रिट्रेसमेंट लिया है उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी रिट्रेसमेंट लिया है। बैंक निफ्टी में हमको सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने मिला कंपेयर टू निफ्टी डेली चार्ट पे, मगर वीकली चार्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने 50% का रिट्रेसमेंट लिया है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग बात करें लास्ट वीक की तो वीक का जब ओपनिंग था तभी से एक ना वीकनेस दिख रही थी। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि वीक के ओपनिंग में ही ओपन और हाई दोनों सेम था। अगर ओपन 35,544.25 था और जो हाई था वो भी 35,544 था, मतलब मंडे को जो ओपनिंग हुआ उसके बाद मंडे की ओपनिंग को कभी भी चार ट्रेडिंग सेशन ने कभी ब्रेक नहीं किया, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने मिल रहा था। उसी तरीके से बैंक निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट से निफ्टी ने ब्रेक किया था और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं किया था। हम लोग जो वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में वो स्टॉक्स को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि उस स्टॉक में कैसा स्ट्रेंथ लग रहा है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक अगर वीकली बेसिस पे देखें, एक स्टडी करने की कोशिश करें तो हम लोग समझ सकते हैं कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और मार्केट कहां जा सकता है। तो अगर ये देखें तो प्रॉपरली एचडीएफसी बैंक का भी 10% का वेटेज है और एचडीएफसी बैंक ने भी प्रॉपरली 50% का रिट्रेसमेंट लिया है और रिट्रेसमेंट ने सस्टेन करता है कि नहीं हमें देखने मिलेगा मंडे। अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी लिमिटेड अगर ये सब हायर लो स्टैब्लिश करते हैं, यहाँ पे 15 का रिट्रेसमेंट स्टैब्लिश करते हैं तो यहाँ से मार्केट की जर्नी वापस अप मूविंग होगी, ये हमको समझ में आ रहा है। अगर उसके बाद अगर हम लोग देखें तो उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्री जिसका 11% का वेटेज है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की हम लोग बात करें, हम लोग ईएमएस पे भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि ईएमएस पे कैसा लग रहा है हर एक निफ्टी, बैंक निफ्टी सब। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रॉपरली एक ऊपर की तरफ रिलायंस ने अपने आप को खींचा है नीचे की एक जर्नी से। ये देख सकते हैं कि इसको वीकली चार्ट को देख के ऐसा लगता है कि रिलायंस में स्ट्रेंथ हमको देखने मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो एचडीएफसी लिमिटेड का 7% का वेटेज है और एचडीएफसी लिमिटेड एक साइडवेज हो गया है, मतलब बहुत ही 3 ट्रेडिंग सेशन से और बहुत ही अप मूविंग नहीं है। अगर लोग देखें तो 0.61% मतलब 7.86% का एक रिट्रेसमेंट लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा डीप वो है, हम लोग उसको हेल्दी रिट्रेसमेंट नहीं कहते। उसके बाद हम लोग देखें तो इन्फोसिस का भी 7% का एक वेटेज है निफ्टी में। अगर हम लोग इन्फोसिस में देखें तो इन्फोसिस बहुत ही स्ट्रेंथ दिखा इन्फोसिस में, हम लोग देख सकते हैं प्रॉपरली इस वीक में सिर्फ -2% था, वैसे ओवरऑल बहुत ही मतलब पॉजिटिव रहा है इन्फोसिस। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस को देख के लगता है कि वापस से अप मूविंग जर्नी अपनी तय करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हायर लो स्टैब्लिश करके प्रॉपरली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इन्फोसिस। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का 6.5% का वेटेज है और आईसीआईसीआई बैंक ने भी वीकली बेसिस पे 0.61% के एक रिट्रेसमेंट को रिस्पेक्ट दी है। एक देख सकते हैं कि प्रॉपरली गोल्डन रेशियो का रिट्रेसमेंट लिया है, देखते हैं कि इस
इस रिट्रेसमेंट को सस्टेन करता है कि नहीं आईसीआईसीआई बैंक, ये हमको यहाँ पे देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम लोग ईएमएस पे बात करें, तो ईएमएस पे अगर हम लोग बात करें सही से, तो वीकली बेसिस पे ये चेक कर सकते हैं 21 सितंबर को एक 13 ईएमए का सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर चला गया था। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 2 नवंबर को, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं 1 फरवरी को, और अभी हम लोग देख रहे हैं 15 मार्च को भी एक ऐसा ही कैंडल प्रिंट किया है जहां पे 13 ईएमए का सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। अभी देखते हैं कि आगे की जर्नी शायद वापस अप मूविंग हो, जिस तरीके से 3 से 4 बार अप मूविंग जर्नी रही, उसी तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को अगर ईएमएस पे हम लोग देखें कि बैंक निफ्टी ईएमएस पे क्या कर रही है वीकली बेसिस पे, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखें तो बैंक निफ्टी ने भी एक बार यहाँ पे देख सकते हैं 25 जनवरी को एक 13 ईएमए का सपोर्ट लिया और वापस अप मूविंग हो गई। अगर वहां पे अगर हम लोग देखें तो वापस 15 मार्च को भी एक सपोर्ट लिया है 13 ईएमए का, तो ऐसा लगता है कि वापस अप मूविंग जर्नी यहाँ से शायद निफ्टी बैंक निफ्टी अपने आप को लेके चले अप साइड में। अगर हम लोग बात करें ईएमएस की, मतलब जैसे कि हम लोग ने बात की बड़े बड़े जो स्टॉक्स हैं, वैसे जिसका ज्यादा वेटेज है एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड की, तो एचडीएफसी बैंक ने भी 13 ईएमए का सपोर्ट लिया है, हम ये देख रखते हैं। इसके पहले भी एचडीएफसी बैंक ने 13 ईएमए का सपोर्ट लिया था, उसी तरीके से एचडीएफसी लिमिटेड ने भी 13 ईएमए के ऊपर है और मीडियन का सपोर्ट लिया है 20 ईएमए का, तो देखते हैं कि उसकी जर्नी कैसी होगी। आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी 13 ईएमए का प्रॉपरली सपोर्ट लिया है। अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, रिलायंस इंडस्ट्री 13 ईएमए के बहुत ऊपर है और मीडियन का सपोर्ट लेते हुए वापस रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर की तरफ आ गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इन्फोसिस की, इन्फोसिस का 7% का वेटेज है, तो इन्फोसिस 13 ईएमए तक बिल्कुल नहीं आया, इसके पहले इन्फोसिस ने 13 ईएमए का सपोर्ट लिया था। तो ऐसा देख के लगता है कि शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी वापस अप मूविंग हो और अपने मेन ट्रेंड को फॉलो करें। अगर आपको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में अपडेट कर पा रहे हैं, कुछ बता पा रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।